तो गाइस माइनक्राफ्ट एक ऐसी बड़ी दुनिया है ना, उसमें ना गाइस बहुत सारे मिथ्स हैं और गाइस वो अपने को पता नहीं है और वही हम लोग ना मिथ्स स्पष्ट करने वाले हैं गाइस अपने इस वर्ल्ड में। तो गाइस पहले तो मिथ्स अपने पोर्शन ऑफ इनविजिबिलिटी के बारे में। तो गाइस इनविजिबिलिटी आपको पता ही होगा, वो अपने ऊपर मारने के बाद अपन लोग गायब हो जाते हैं। तो गाइस उसी के बारे में मिथ है, वो मिथ मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपने ना इनविजिबल पोर्शन आपके ऊपर मार दिया मतलब आप, और आप इनविजिबल हो गए ना, फिर भी गाइस आपको ना एंचेंटिक टेबल ना डिटेक्ट कर लेता है। तो गाइस देखते हैं ये सही है कि नहीं, और ये मैं पोर्शन मेरे ऊपर मार देता हूँ। चलो गायब हो चुका हूँ। तो गाइस उधर ही मैं एंचेंटिंग टेबल लगा रखा हूँ पहले से, तो जाते हैं उसके पास और देखते हैं गाइस वो अपने को डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं। तो गाइस ये अपने को डिटेक्ट कर लेता है, ये मिथ कंफर्म है। तो गाइस वैसे मैं दिख भी नहीं रहा हूँ। तो इनविजिबल पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो गाइस उसी के बारे में दूसरा भी मिथ है, वो भी ट्राई आउट कर लेते इधर ही। तो गाइस बोलते हैं कि इनविजिबल पोर्शन होने के बाद भी ना गाइस आपको जॉम्बी और क्रीपर ना डिटेक्ट कर लेते। तो गाइस वही हम लोग अभी चेकआउट करते हैं। तो गाइस पहले तो हम लोग क्रीपर के बारे में देखेंगे क्या होता है। तो क्या कर लेता हूँ गाइस, क्रीपर को पहले इधर ऑन कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ सर्वाइवल मोड में। तो देखते हैं गाइस वो अपने को देखता है कि नहीं, मैं इनविजिबल मोड में हूँ, पहले बता देता हूँ गाइस। देखते हैं अपने को डिटेक्ट करता है कि नहीं। हेलो क्रीपर भैया जी, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। ओ गाइस आपको देख, तो गाइस वो देख ही नहीं रहा है। ओ गाइस उसको पता चल गया, उसको पता चल गया गाइस मिथ कंफर्म है गाइस। तो गाइस थोड़ा सा घबरा गया मैं इधर। तो गाइस मेरे को सुबह की रात्र करनी पड़ेगी लगता है मेरे को इस वर्ल्ड में। तो वैसे तो गाइस अपने जॉम्बी भैया दोपहर में नहीं खड़े रह सकते ना। और गाइस मैं पहले से हूँ, देखो पोर्शन में कितना देर हूँ, 34 सेकंड। ये जल्दी से ट्राई कर लेते गाइस हम लोग। तो मैं जाता हूँ सर्वाइवल में और देखते गाइस क्या करता है। आ जाओ भाई, फुल मून भी है उधर, आ जाओ भाई मेरे को पकड़ो, मैं इधर ही हूँ। तो गाइस उसने उसने देख लिया, उसने देख लिया, उसने देख लिया गाइस। भागो 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 भागो। और गाइस ये भी मिथ ना कंफर्म हो चुका है। गाइस अगला वाला मिथ इसी के बारे में, इनविजिबिलिटी पोर्शन के बारे में। तो गाइस बोलते हैं कि ये इनविजिबिलिटी पोर्शन ना एंडर ड्रैगन, एल्डर गार्डियन, विद द बॉस और घास के ऊपर काम नहीं करता। तो गाइस वही चेकआउट कर लेते हम लोग। तो गाइस एंडर ड्रैगन को समन कर लेते इधर, समन एंडर। तो गाइस एंडर ड्रैगन सीए ही नहीं है, पहली बता देता हूँ आपको। और गाइस एंडर ड्रैगन इधर आ चुका है। ओ भाई, ओ गाइस आराम से। हाँ उसको घूमना ही पसंद है वैसे तो। तो गाइस देखते हैं ये स्प्लैश पर्सन उसके ऊपर काम करता है कि नहीं। गायब हो जा। तो गाइस स्प्लैश पर्सन उसके ऊपर काम नहीं करता। तो गाइस देखते हैं विदर के ऊपर भी काम करता है कि नहीं। तो विदर को स्पॉन करना पड़ेगा। तो गाइस इधर की बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने वाली है विदर को स्पॉन करते करते। तो गाइस पहले तो गार्डियन को देखते हैं, चलो गार्डियन को देखते हैं। तो गाइस एल्डर गार्डियन का मैंने एक ले लिया। तो गाइस देखते हैं एल्डर गार्डियन के ऊपर ये मिथ। तो गाइस इसके ऊपर भी ट्राई आउट कर लेते, ये हो गया तो अच्छा है। तो देखते अरे ओ गाइस गायब हो गया वो। तो गाइस मतलब एल्डर गार्डियन के ऊपर ये पोर्शन ना काम करते है। तो गाइस अभी हम लोग विदर को स्पॉन करते, विदर रह गया और घास भी रह गया। तो गाइस देखते, तो गाइस अभी घास को स्पॉन करने वाले, तो घास आ जा इधर, इधर इधर कर देते हम लोग। ओके गाइस इसके ऊपर देखते, अरे रुक जा भाई। ओके गाइस गाइस इसके ऊपर नहीं होता, इसके ऊपर फेंका मैंने। तो गाइस घास के ऊपर भी इनविजिबिलिटी का पोर्शन नहीं लगता, सिर्फ एल्डर गार्डन के ऊपर लगा। अभी देखते गाइस विदर को स्पॉन करके। तो गाइस इसको इधर जिंदा कर देते अपने विदर को, देखते फास्ट क्या होता है। ओके गाइस इसके ऊपर भी नहीं हो रहा है। तो गाइस इसके ऊपर भी नहीं हो रहा है, जल्दी से इसको मार देते गाइस। इसके पहले मेरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर देता ना, इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इतना अच्छा वर्ल्ड है मेरा और गाइस उसको भी मारना पड़ेगा। तो रुको इसको पहले मार देते हम लोग। वैसे तो गाइस हुआ पोर्शन एल्डर गार्डन के ऊपर ही हुआ, बाकी के ऊपर नहीं हुआ। अभी क्या करते गाइस अगला वाला मिथ ट्राई करते, लावा मिथ। गाइस अगला वाला है लावा मिथ। तो गाइस इसके लिए हमको ना नेदर वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, और गाइस हम लोग नेदर वर्ल्ड में आ चुके। तो गाइस ये मिथ है कोरस फ्रूट के बारे में। आपको पता ही होगा गाइस कोरस फ्रूट खाने के बाद ना हम लोग स्पॉन होते हैं अलग जगह पे। पर गाइस तो गाइस ये वाला मिथ ऐसा बोलता है कि आप लोग ना लावा के अंदर भी होंगे ना, पर ये आपको ना लैंड के ऊपर ना फिर से स्पॉन कर देगा। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी काम क्या है इसने। ओके गाइस अभी देखते, रुको फिर से जाता हूँ अंदर, अभी नहीं कर रहा है मेरे को। ओके अभी किया गाइस। तो गाइज ये जरूर ट्राई आउट मत करना, क्योंकि बहुत टाइम लगाता है गाइज ये। और गाइज मेरे को और एक चीज पता चली है कोरस फ्रूट के बारे में। तो गाइज आप ना लावा के एकदम बीच में ना, तो तब आप बोलेंगे कोरस फ्रूट यूज कर लेगा। तो गाइज ऐसा नहीं हो सकता गाइज, मेरे को अभी पता चला कि गाइज आप लैंड के एक ब्लॉक के पास ही होंगे ना, तभी एक कोरस फ्रूट यूज कर सकते है गाइज। मतलब आप लैंड पे पलट फिर से टेलीपोर्ट हो सकते है, ऐसे गाइज आप नहीं यूज कर सकते। तो गाइस अगला वाला मिथ ये है कि हम लोग नेदरराइट को थॉर्न्स 3 की एंचेंटमेंट डे पूरी नेदरराइट आर्मर को और उसको ना आर्मर स्टैंड के ऊपर ना लगा देंगे, और गाइस हम लोग उसको हिट करेंगे ना तो अपने को ही हिट पड़ता है गाइस। तो गाइस चलो ट्राई आउट कर लेते। तो वैसे तो गाइस मैंने ना पहले से ही ना
सब कर लिया है, इसको मैंने थॉम्स की एंचेंटमेंट दे चुका हूँ। तो गाइस देखते हिट करते, चलो ओ गाइस हार्ट, सीरियसली हार्ट कम है, तो देखते गाइस मरते हैं कि नहीं हम लोग। ओके एक बार में एक हिट में दो दो हार्ट कम होते गाइस। और गाइस ये मिथ भी कंफर्म हो चुका है। तो गाइस मेरे को लग रहा है इस वाली वीडियो के लिए इतने ही मिथ बस हो गया। और गाइस मैं मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, और गाइस और मिस ना हम लोग ट्राई आउट करेंगे अगली वाली वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए पहली बात तो बता देता हूं, जाते वक्त सब्सक्राइब करना भूलना ही मत गाइस, वो तो एकदम इम्पोर्टेंट चीज है गाइस। और गाइस कमेंट में बताना भूलना मत आपको कौन सी और मिस पता होंगे, वो भी ट्राई आउट करेंगे गाइस अपने वाले में वर्ल्ड में। तो गाइस चलो बाय बाय। और गाइस ये देखो ये रूम एकदम खतरनाक है गाइस, ये देखो पैसा ही पैसा आपको देखने का अंदर गया है। ये देखो गाइस इसके नीचे आप लोग इधर जाएंगे ना आप लोग खत्म हो जाएंगे, ये भी आपको अगले वाली वीडियो में बताऊंगा गाइस। वैसे तो चलो गाइस बाय बाय।